नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। बरेली जिला अस्पताल में आज किशोरों के टीकाकरण कैंप लगाया गया। कैंप में काफ़ी संख्या में 18 से 15 वर्ष के बच्चों ने पहुंचकर वैक्सीन कराया। देश में सोमवार से किशोरों के टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए युवाओं को इसके खतरे से बचाने के लिए टीकाकरण को लेकर प्रशासन ने राज्यों और केंद्रों को शासित देशों में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए अलग अलग टीका केंद्र बनाने की हिदायत दी है। देखिए किस तरह से टीकाकरण इसका हो रहा है और ओमिक्रॉन कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो सबसे पहले आप तक पहुंचे खबर। लाल बटन दबाना ना भूलें। सबसे अच्छी तरीके से इंजेक्शन लगेगा यहाँ। देखो इधर सुहानी, मैं मेडल हॉस्पिटल से हूँ सर। जी सीधे मोड़ना है, धीरे छोड़ दो बेटा। बेटा नंबर, मोबाइल नंबर बता दो। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पूनम सक्सेना। ये जानना चाहेंगे जो आज वैक्सीनेशन कैंप शुरू हुआ है किशोर अवस्था वाला, तो क्या शुरुआत है, किस तरह से ये शुरुआत तो बहुत अच्छी की है सरकार ने, क्योंकि सारे बच्चों को लगना ही बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। और सुबह से मैं देख रही हूँ कि पब्लिक में अच्छा जोश है, बच्चे बहुत अच्छे से आ रहे हैं और हमारे यहाँ ये प्रोग्राम अच्छे से चल ही रहा है, तो आप लोग भी देख ही रहे हैं। ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, उससे क्या बचाव करना है? बचाव तो यही कि आप वैक्सीन लगवाएं और बाकी दूरी बना के ही रखनी है, मास्क लगाना ही है और अपने हाथों को साफ भी रखना है। ये जो नई वैक्सीन लग रही है आज किशोरों को 15 से 18, इसमें कौन सी वैक्सीन नई लग रही है या कोविशील्ड या कोवैक्सीन? वही कोवैक्सीन लग रही है, बच्चों के लिए कोवैक्सीन आई है।